इन फूलों की माला तो बना दो कोई, कब से कह रही हूँ। और ये मंडप क्यों नहीं सजा आपका, हो क्या रहा है? जी मैं समझ सकता हूँ, बाहर बारिश हो रही है, ट्रैफिक जैम हो रहा होगा। आप भी समझने की कोशिश कीजिए, सामान समय से नहीं पहुँचा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। नन्नू खोते है, रेडी हो जा पुत्र, जब तू रेडी नहीं होगा तो मम्मी कैसे रेडी होगी? वर्षा वर्षा मेरा कुर्ता अभी तक प्रेस नहीं हुआ है, देखो कितने रिंकल्स पड़े हैं, जल्दी कराओ ना इसको। ठीक करा। अरे अरे ये हो क्या रहा है, सबको अपनी पड़ी है, मेरी शादी है भाई, कोई मुझे भी तो तैयार करो। फोटोग्राफर साहब लेट मत कीजिएगा, टाइम पे आ जाइएगा। सवेरे भी फोन किया था मैंने। सुनिए जी, सुनाइए। आप मजाक छोड़िए, आपने अलमारी की चाबी देखी है क्या कहीं? मेरे कपड़े गहने सब उसी में तो है। चलो होल्ड करना, क्यों चिंता करती है आप, तकिए के नीचे रखती है ना आप चाबियां, ढूंढ लीजिए मिल जाएगी। हाँ जी बोलिए। अरे भाई रंग नहीं होना चाहिए मिठाई में। माँ ये मिठाई के डब्बे अब तक पैक नहीं हुए। नहीं नहीं बेटा, जो बाहर वालों को देने पैक हुए हैं, ये तो घर वालों के हैं। इस क्रीम का भी कोई ऐसा नहीं हो रहा है, दूसरी लगा कर देखता हूँ। मेरी वॉच शूज कुछ नहीं मिल रहा है यार। करिश्मा करिश्मा, तुम्हारे पास कोई सैंडल्स है क्या? मेरी ये सैंडल्स मेरे लहंगे से मैच ही नहीं हो रहे हैं। ऑफ कोर्स है दी, बट आपको मेरे शू रैक्स लेने होंगे। वो क्या ना, मैं अपना हेयर स्ट्रेटनर ढूंढ रही हूं, मुझे अपने बाल स्ट्रेटन करने हैं। वो तो मैंने मिष्टी के हाथ में देखा था। मिष्टी, गॉड मिष्टी, ये क्या कर रही हैं आप? हेल्प मिष्टी, आप जाओ जाओ जाके तैयार हो जाओ। मम्मा इससे मैचिंग इयररिंग्स नहीं मिल रहे। किसी ने मेरा फोन देखा कहीं? उसमें घोड़ी वाले का नंबर है यार, मुझे उसे कॉल करना है। अरे अरे लो हो गया कांड, जल्दी जल्दी में हमेशा ऐसा ही होता है। अक्षरा की तैयारी और घर के काम के चक्कर में अपनी तैयारियां तो रह गई हैं। अभी तो ये भी डिसाइड करना है कि अक्षरा की शादी में क्या पहने। अभी मेरी तो ड्रेस भी डिसाइडेड थी, पर एंड मोमेंट में तैयारी नहीं हो पाई। हाय अब कुछ पुराना ही पहनना पड़ेगा। पहले ड्रेस डिसाइड करो, फिर जूते चप्पल और ज्वेलरी। कोई नहीं भाभी, करना तो है ही ना, चलिए कर लेते हैं। हाँ जाओ चलते हैं। नजर नहीं आ रहा था कि तुम कितना बिजी हो। इसलिए सोचा, हमेशा तुम सबके लिए ड्रेस बनाती हो ना, इस बार कोई और तुम्हारे लिए बनाए तो कैसा रहेगा? पसंद आया? बहुत। सॉरी शॉर्टर, मैं हमेशा आपको नतीजे से कंपेयर करती रही और दुखी होती रही, पर अब मुझे समझ आ गया है मेरे हस्बैंड जैसा कोई नहीं है। पापा ये लीजिए कपड़े, और आप जल्दी से तैयार हो जाइए, और आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो मुझे बुला लेना, मम्मा को कॉल मत करना, क्या उनकी भी शादी है ना। मुझे मत समझाओ नच, जब से तुम पैदा नहीं हुए हो ना तब से हम लोग अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं, और रही बात तुम्हारी मम्मा की, तो शादी से पहले भी मैं जिंदगी जी रहा था। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए ना तो तुम्हारी मम्मा की कभी जरूरत पड़ी है और ना ही कभी पड़ेगी। रियली हमें क्या पता नहीं है? अक्षरा मेरी घड़ी का है, अक्षरा मेरी शर्ट का बटन टूट गया, ये लीजिए। वाह इस चेहरे में तो आप खूब जच रहे पापा, पीली शक्ल पर सुनहरी पगड़ी, क्या सुपर्ब कॉम्बिनेशन है। वाह वाह। वैसे अरे जश तो तुम पे भी बहुत रही है, मतलब अब तुम्हारा भी बैंड बजने का टाइम आ गया है, अगला नंबर तो तुम्हारा ही है ना शादी करने का। पर अभी उसमें 10-20 साल है पापा। कोई बात नहीं ना, मैं इंतजार कर लूंगा। वैसे एक बात का तुम ध्यान रखना, आज जैसे मेरी शादी में तुम मेरी टांग खींच रहे हो ना, तो तुम्हारी शादी में भी तुम्हारी खिंचाई करूंगा, और जितनी मेरी की है ना उससे दुगनी तुगनी ज्यादा। आपका जो मन हो कर लीजिएगा पिताश्री, किंतु अभी आप तैयार हो जाइए, अन्यथा मेरी माताश्री आपकी प्रतीक्षा करती रह जाएंगी। हम सोचेंगे। नो सोशल बाबा, प्लीज जल्दी कीजिए, हरी अप, वरना हम बारात लेकर चले जाएंगे और दूल्हे के बिना ही दुल्हन को भी लेकर आ जाएंगे। बताओ मैं तुझे। अरे अरे पापा। वाओ पापा कितने प्रिटी लग रहे हो, वर्ल्ड की बेस्ट दुल्हन। वो तो लगनी थी ना, क्योंकि वर्ल्ड की
बेस्ट बेटी ने जो तैयार किया है। एक दिन मैं भी तुम्हें ऐसे ही सजाऊंगी। प्लीज मॉम अभी ये सब बातें मत करो, अब मैं बहुत छोटी हूँ। बेटा लेकिन बच्चे कब बड़े हो जाते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता। देखो ना अभी तक हम अक्षरा को बच्ची समझते हैं और अब इसके खुद के बच्चे हो गए। हाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी शादी की प्लानिंग शुरू कर दोगे। आज मम्मा क्या मौसी है, सिर्फ उनके बारे में बात होगी और किसी के बारे में नहीं होगी। सी सी मम्मा कितनी प्रिटी लग रही है राइट। हाँ हाँ ऑफ कोर्स बुआ तो हमेशा बहुत प्रिटी लगती है, आफ्टर ऑल बुआ किसकी है। एनीवे तुम सब हम दोनों को भी तो पता हम कैसे लग रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दो। सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत प्यारी। दीदी ये लीजिए दीदी आपकी चूड़ियां, बस अब रब करे कि मैच हो जाए। पर मैचिंग चूड़ियां तो ली थी ना हमने उस दिन, उनका क्या हुआ? पता नहीं कहाँ रख दी हैं, मिली नहीं रही थी और फिर इतना टाइम भी नहीं था ना कि ढूंढे, इसलिए नहीं मंगवा ली। बहुत अच्छा किया बेटा, अब जल्दी से पहना दो ताकि दुल्हन पूरी तरह से तैयार हो जाए। मम्मा शायद ये बैंगल्स छोटी है जा ही नहीं रही है। मैं क्या मोटे हो गई हूँ माँ? ना ना बेटा बिल्कुल भी नहीं, ये चूड़ियाँ छोटी आ गई है। रबान आदमियों का ना कोई इलाज नहीं है, एक काम दो पर स्यापा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बेटा क्रीम लगा के कोशिश कर। अब क्या करें, ऐसा ही होता है मेरी शादी में कोई ना कोई गड़बड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। I have an idea. मेरी पिंस देखी है किसी ने, पूरा पैकेट हमें पास अब एक भी नहीं मिल रहा है। मामा मेरे भी बाल बनाओ ना। मिश्ती अभी नहीं बाद में, पहले मैं पिंस ढूंढ लूंगी। मामा अब प्लीज स्टैचू, इतना हिल रहे हो सारे बाल हाथ से निकल रहे हैं। गायू जल्दी और कितना टाइम लगाओगी? अब प्लीज बच्चों की तरह जल्दी मचाना बंद करो, एक मिनट हो जाएगा। देवयानी वो बच्चों के लिए नेक के लिफाफे बनाए थे ना, वो कहाँ रखे हैं याद है? नहीं भाभी मैं एक मिनट में अभी देखती हूँ। माँ ये जूती ना शायद छोटी आ गई है, बहुत काट रही है। बेटा क्या साइज है चेक करो। मैं कब से बाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर सेट ही नहीं हो रहे, ये देखो। एक मिनट, सबसे पहले तो ये मुर्गे की कलगी की तरह जो बाल खड़े हैं ना उन्हें बिठाओ। ओके बिठाना है ये ले। छोटी मैं एक्सक्यूज। हेलो, अरे कोई मेरी बात सुन भी रहा है? किसी के पास टाइम है मेरे लिए? सब लोग तो तैयार हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, बस सिवाय मेरे, मैं ही रह जाऊंगा। क्या बात है मुन्ना, क्या हुआ है बता तो सही। वो नाड़ा निकल गया। इधर तो मैं करती हूँ, लाओ। थैंक यू छोटू। मैंने ये मेरी रूममेट से सीखा था हॉस्टल में, अपना चूड़ीदार ऐसे ही पहनती थी पॉलिथिन से, सो आई थॉट कि अगर चूड़ीदार पे वर्क कर सकता है तो चूड़ियों पे भी करेगा। रिवा ये तो हमारी बड़ी सयानी बिटिया निकली। थैंक यू। बेटा भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तूने आज मेरी सोन चिड़ैया का श्रृंगार पूरा कर दिया। इतनी सारी गड़बड़ियां की है ना मैंने, सो सोचा कोई एक अच्छा काम कर लूं। क्या हुआ माँ? आज एक बार फिर से अपनी बच्ची को विदा करना पड़ेगा मुझे। ए भगवान, बड़ी बहू तुम भी ना,
अपनी बिटिया को विदा करने के लिए बरसों पहले बहुत रो चुकी हो तुम। हाँ दादी, ये तो बस हाइलाइट्स है, असली मैच तो बरसों पहले हारा जा चुका है ऑलरेडी। सो प्लीज अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। मैंने सोचा था, सच में मैंने सोचा था कि कंट्रोल करूंगी, पर क्या करूं, हुआ ही नहीं कंट्रोल। तो बड़ी बहू थोड़ा कोशिश करो ना। और हाँ, आज सब लोग सुन लो, खुशी का अवसर है, कोई आंसू नहीं बहाएगा। हाँ नो नो मम्मा प्लीज नो। नानी सी स्टॉप क्राइम, आपकी बातों को सुनके मॉम भी सेंसी हो रही है, अगर वो रोएंगी ना तो उनका मेकअप खराब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं रो रही हूँ अक्षरा। तू भी बिल्कुल नहीं रोएगी आज के दिन, तो खास कर बिल्कुल नहीं रोएगी तू। तुझे आज सबसे ज्यादा सुंदर लगना है ना। वैसे मॉम आपको पता है ना, दुल्हन हमेशा स्माइल करते अच्छी लगती है। और उसके भाई? उसके भाई भी उसे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। और आज उसके भाई उसकी हंसी को कैच कर लेंगे। मतलब? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मतलब ये कि पापा और चाचू ने स्पेशली वेडिंग वाले फोटोग्राफी के लिए स्पेशल स्पेशल पोजेस पर रिसर्च किया है। यस, और जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, बस तुम स्टार्ट हो जाओ। अरे दादू, मैं ये सब नहीं करूंगी, मैं अभी बता रही हूँ बस। सब गड़बड़ मेरे साथ ही होनी थी नमन, अब मेरी नेल पॉलिश भी खराब हो गई। अरे मैं तुम्हें अपने नेल्स की पड़ी है, वो तो तब भी ठीक हो जाएगा। ये देखो, ये जो पिंपल हो गया है, इसका क्या करूं? नमन, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? कौन सा कोई तुम्हें पसंद करने आ रहा है? अरे व्हाट डू यू मीन, ये पिंपल तो देखना पड़ेगा ना। बस हो गया बस, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकती हूँ मैं, बहुत तमाशा बना लिया मेरा, गिन गिन के बदले लूंगी सबसे। अरे पापा, ये तो मेमोरीज है, कितना मजा है। अच्छा, मेमोरी सिर्फ यहाँ है, वहाँ पापा के यहाँ नहीं है, वो बैठ के अच्छे से मजे से लड्डू खा रहे होंगे वहाँ। सर वो शाहरुख खान वाला? नहीं नहीं, मुझे और नहीं खिंचवानी है। सर प्लीज, अभी तो 27 पोज बाकी हैं। मैंने आपसे कहा ना, मुझे और फोटो नहीं खिंचवानी। वैसे इतना कार्टून लग रहा हूँ, ऊपर से ये अजीब अजीब पोजेस में आप फोटो जो खींच रहे हैं, इसे तो सब लोग देखकर और मजाक उड़ाएंगे मेरा। पापा प्लीज करवाइए ना, यही तो फन है शादी का। हाँ मामा जी। मुझे नहीं चाहिए फन नक्श, तुम अपनी शादी में करवा लो। कर लेना मुन्ना, ऐसे मुके रोज रोज थोड़ी आते बेटा। भाईमा कम से कम प्लीज आप तो मत ऐसा कहिए। अच्छा तो मैं कह देता हूँ भैया, प्लीज खिंचवा लीजिए ना, मैंने भी खिंचवाई थी अपनी शादी में। अरे तो मैंने नहीं कहा था ना नमन, मुझसे क्यों बदला ले रहे हो भाई? प्लीज ना भैया, कम ऑन, अच्छा लगेगा, करवा लो ना। प्लीज भैया। नहीं 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 प्लीज, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर किसी ने कुछ कहा ना तो पहले वो करवाएगा बाद में मैं। नानी, मिष्टी का हेयर स्टाइल अच्छा है ना? वाह बहुत सुंदर है, तुमने बनाया? तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। मुन्ना इधर आ बेटा। खुश रहे बेटा, तेरी और बहू की जोड़ी सदा बनी रहे। थैंक यू। अरे वाह ताऊजी, आप कितने हैंडसम लग रहे हो। लग नहीं रहे, मेरे मामा जी हैं ही हैंडसम। हाँ बस रंग थोड़ा पीला लग रहा था, अब बिल्कुल ठीक है। पूरी लाइफ में कुल मिलाकर मैंने मुंह इतनी बार नहीं धोया होगा जितना कि हल्दी से लेकर अब तक धो दिया है, और वो भी इतनी बार रगड़ रगड़ के, किस किस चीज से ये मत पूछेगा, तब जाके कुछ ठीक हुआ। नक्श कहाँ है? पता नहीं छोटी नानी, वो कह रहा था कि कुछ काम है उसे बाहर कहीं, इसलिए कहीं गया है वो। इस वक्त क्या काम हो सकता है? हाँ और अब तो वैसे भी निकलने का टाइम हो गया, कहाँ चले गया वो? घोड़ी वाला भी नहीं आया अभी तक। पता नहीं, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है कि मैं फोन करके पूछ लूं। नहीं नहीं बेटा, मेरे पास है ना। हेलो, हाँ जी मैं सिंघानिया सदन से बोल रहा हूँ।
अरे भाई साहब, आप हमारे यहाँ घोड़ी भेजने वाले थे शादी के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। लल्ला खुद अपने पापा के लिए घोड़ी लेने गया है। घोड़ी वाला कह रहा था बस पहुंचता ही होगा। बेटा देखो बाहर आ गया क्या? मैं देख कर आता हूं। मुन्ना, बेटा भाग्यशाली हो तुम जो लल्ला जैसा बेटा पाया है तुमने। या? नहीं आएंगे? ठीक है, जाने दीजिए, अब क्या कर सकते हैं। आप उनका ख्याल रखिएगा और किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए। धन्यवाद राधे कृष्ण जी। आपने वो पंडित जी को फोन करके पूछा ना? हाँ, किया था ना, आ रहे हैं रास्ते में। जी वो बारात का पता किया? कब तक निकल रहे हैं? नहीं किया, अभी करते हैं। लेकिन अभी तो समय है निकलने में। लेकिन एक बार फोन करके पूछ लीजिए ना। जी जी, वो याद आया खाने वाले का, वो सब बात हो गई ना आपकी? देखिए चौरकी माँ, आप या तो यहाँ से चले जाइए या तो यहाँ पर खड़े होकर एक साथ सारे सवाल पूछ लीजिए। लेकिन इस तरह परेशान मत होइए। चिंता करने से आज तक किसी का कोई फायदा हुआ है क्या, जो आपने उसे अपनी पक्की सहेली बनाकर रखा है? छोड़ दीजिए उसे, फिर देखिए आपके सारे काम कैसे आराम से होते हैं। जी आज तक कोई भी शादी हमारे घर में बिना किसी गड़बड़ के हुई है क्या, जो एकदम निश्चिंत हो जाऊं? कभी कुछ लगा ही रहता है। लेकिन इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं होने देना चाहती। इतनी तपस्या के बाद मेरी बच्ची ससुराल वापस जा रही है, इस बार कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। भगवान ना करे अगर इस बार भी कोई अड़चन आई ना, हम सब मिलकर उसका सामना कर लेंगे, है ना? मैं जरा अब इस पंडित जी के मामले का क्या करें, कैसे सुलझाएं इसे? बीमार हैं, नहीं आएंगे। अक्षरा, तेरी शादी है, क्या वहां काम घूम रही है? जा जाकर बैठ जा एक जगह। देख वर्षा, मेरी बात सुन ना। तो मैं 16 साल की हूँ और ना ही मेरी पहली बार शादी हो रही है। जो मैं शर्मा के घबरा के एक जगह बैठ जाऊं अपने दूल्हे राजा के इंतजार में। हाँ, वक्त कैसे बदल देता है ना इंसान को। एक वो वक्त था और अब एक ये वक्त है। हटा, मेरा केक खराब हो जाएगा। अरे मैं तो चेक कर रही हूँ तेरा केक ठीक बना या नहीं, कहीं चीनी वीनी तो कम तो नहीं है? होगी तो ऊपर से डाल देगी। थोड़ा थोड़ा। क्या यम्मी केक है वर्षा, बहुत टेस्टी है सच्ची। सच कहूँ ना तो मैंने केप टाउन में तू और तेरे केक को बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया, मेरी बेस्ट फ्रेंड को और मेरी ननद को, दोनों एक साथ चले गए थे। अब यही हमेशा हमेशा के लिए। बाहर तो कोई भी नहीं है। तो फिर लल्ला कहाँ गया? लेकिन घोड़ी लेके कहाँ जा सकता है? हे भगवान, मैं फोन करके देखता हूँ। फोन ही नहीं उठा रहा है। अब एक बार वो घोड़ी वाले को फोन करके देखिए ना। हेलो भाई साहब, आप ये बताइए पक्का नक्श आया था वहां पर? ठीक है, वो घोड़ी वाला तो कह रहा है कि 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, नक्श वहां से निकल चुका है, घोड़ी बैंड बाजा सब लेकर निकल चुका है। फिर गया कहां वो? ना नक्श का कोई पता चल रहा है, ना घोड़ी आई है, और ये लल्ला फोन भी नहीं उठा। छोटी नानी, आप लोग इतना क्यों चिंता कर रहे हैं? वो आ जाएगा, बच्चा थोड़ी ना है जो खो जाएगा। ऐसी बात नहीं है यश, नक्श अभी तक नहीं आया तो चिंता तो होगी। बारात निकलने का समय भी हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? छोटी नानी, सगाई से लेकर अभी तक सब कुछ उसी ने तो संभाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर अब क्यों होगी? ट्रैफिक होगा शायद, इसलिए फंस गया होगा कहीं वो। और आज बारिश भी तो बहुत ज्यादा हुई है ना,
और सड़कों का हाल तो आपको पता ही है, जरा सा पानी बरसा नहीं कि हर जगह पानी भर जाता है। बेटा यश, मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन घोड़ी वाला और हमारे घर के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। अब तक तो आ ही जाना चाहिए था उसने। और दूसरी बात, वो तो अपना फोन भी नहीं उठा रहा है। छोटी माँ, हो सकता है उसे सुनाई ना दे रहा हो। अक्सर वो ऐसे ही करता है, पॉकेट में फोन डाल देता है फिर भूल जाता है। केप टाउन में भी ना इसी चक्कर में उसने बहुत बार डांट खाई है मुझसे। हाँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा वो। नमन, तुम जाके रास्ते में कहीं देखकर आ जाओ ना। नहीं नहीं मामा जी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, बेकार में परेशान होंगे आप। इन एनी केस, आप लेफ्ट वाली सड़क से जाएंगे, वो राइट वाली सड़क से आ रहा होगा, तो दिखेगा थोड़ी ना आपको। चलो ठीक है, और थोड़ी देर इंतजार करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।